हेलो गाइस, आपके अपने चैनल शेयर मार्केट टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे गाइस बात करने वाले हम विजय डायग्नोस्टिक सेंटर और एमी ऑर्गेनिक आईपीओ के बारे में। फाइनल डिसीजन वीडियो आपको मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा कि किस में लगाना है। और गाइस अभी आप ये वीडियो अगर जो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, यहाँ कई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर जो आप लगा चुके हैं आईपीओ में बिड तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर जो आपने नहीं लगाया, लगाने के लिए रुके हुए थे, हमारे साथ लगाएंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले हम विजय डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में। इस कंपनी के बारे में गाइस डिटेल आपको पता होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर जो आपको नहीं पता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। यहां पे गाइस ये पीछे आने वाले आईपीओ कृष्णा डायग्नोस्टिक का पीयर है, उसकी तरह काम करता है। साउथ इंडिया में बहुत अच्छा लीडिंग ब्रांड है। पर यहां पे मुझे एक चीज पसंद नहीं आई कि इन्होंने जो आईपीओ इशू किया है, जो इशू साइज इनका 1895 करोड़ का, वो पूरा का पूरा ओएफएस है, ठीक है, ऑफर फॉर सेल। इसका ये मतलब है कि सारा का सारा जो इनके शेयर होल्डर ने स्टेक बेचा होगा, ठीक है, या फिर जो प्रमोटर्स ने स्टेक बेचा होगा, वो सारा पैसा उनकी जेब में जाएगा। कंपनी के एक्सपेंशन में, कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा सा भी पैसा कहीं नहीं लगने वाला है, और थोड़ा सा भी कंपनी के लिए काम नहीं आने वाला है, सारा कुछ प्रमोटर की जेब में जाएगा। तो इसकी वजह से गाइज यहाँ पे आपको मैं सब्सक्रिप्शन डेटा भी दिखा देता हूँ, और सीधे सीधे आपको असर दिखता हुआ मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गाइज 0.77 टाइम सब्सक्राइब हुआ है जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था 12:34 पे, 12:34 पे। क्यूआईबीज ने अपना कोटा एक बार सब्सक्राइब कर दिया पूरा 1.04, एनआईआईज ने 0.17, मतलब यहाँ पे बिल्कुल से एनआईआईज भाग रहे हैं फिलहाल। रिटेलर्स ने अपना कोटा देखे 35% का कोटा था इसमें, 663 करोड़ का अप्रॉक्स। तो यहाँ पे गाइज ये मुझे लग रहा है इवनिंग तक फुल कर देंगे या ज़्यादा भी हो सकता है। अभी क्यूआईबीज एनआईआईज का कोई क्लियर नहीं होता है, ये 2 बजे 2:30 बजे भी दिखते हुए हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो सीनियर निकल के आ रहा है मैं उसके हिसाब से बताऊंगा आपको, ये बाद में कुछ भी करते रहें, अपने को उससे लिस्टिंग अच्छी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बाद की बात है, पर हमें जाना नहीं जाना ये मेन डिसीजन है। तो भाई क्यूआईबीज एनआईआईज का अभी कहा नहीं जा सकता, ये 2 बजे 2:30 बजे भी आ जाते हैं, पर फिलहाल जो सीनियरियो है वो ये आईपीओ अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे 0.77 टाइम टोटल सब्सक्राइब हुआ है। अगर जो ओवरऑल पैसे की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इसमें गाइस 1459 करोड़ रुपए अभी तक डाला गया सिर्फ, और ये 1900 करोड़ का अप्रॉक्स आईपीओ है। तो गाइस यहाँ पे जिन्होंने लगाया है बहुत आसानी से मिल जाने वाला है, दोबारा से आपको नोवेको जैसा ये दिख जाएगा, मिलेगा सबको, पर मिलने की खुशी किसी को नहीं होने वाली है। डे वन से बोल रहा हूँ इसको अवॉइड करना है, अभी भी यही बोल रहा हूँ इसको अवॉइड करना है। आपके पास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लॉट के पैसे हैं तो आप एमी की तरफ जाएंगे, अभी मैं एमी के बारे में भी डिस्कस करूंगा। आपको यहाँ पे एक भी लॉट नहीं लगाना है। आप ये कर सकते हैं कि चलो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं लगा देता हूँ, मिलना तो यहाँ पे मतलब शॉर्ट शॉर्ट चाहिए कि मिल जाएगा आपको। अगर ये 2-3-10 टाइम्स मैक्सिमम सब्सक्राइब हो जाने वाला है तो भी रिटेलर्स की तरफ से यहाँ 2 टाइम फुल नहीं होने वाला है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो भाई यहाँ पे 2 और 3 टाइम भी हो गया तो भी आसानी से आपको मिल जाने वाला है। इसका मतलब ये है कि आप लगाएंगे तो मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल उनको ही लगाना है जिनके पास एक्स्ट्रा और फालतू पैसे हैं, वरना नहीं लगाना है विजया में। ग्रे मार्केट ड्रीम की बात करूँ गाइस तो 6 से 7 रुपए चल रहा है अभी, 6 से 7 रुपए आपको कुछ मिलना नहीं है, वाइप आउट होता हुआ दिख जाएगा। अगर जो मार्केट उस टाइम बहुत पॉजिटिव रहा है इसकी लिस्टिंग के टाइम पे तो आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, पर भाई वो हो सकता है, हम अपने पैसे नहीं गंवा सकते। रिटेलर्स जिनके पास थोड़े पैसे हैं वो अपने पैसे नहीं गंवा सकते। तो चलिए अभी एमी ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं गाइस। एमी ऑर्गेनिक में हमें क्या करना है, एमी ऑर्गेनिक की बात करूँ गाइस 569 करोड़ का आईपीओ था, काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है। इनको तत्वा चिंतन और क्लीन साइंस से कंपेयर भी किया था मैंने, और कंपैरिजन में कंपनी उसी हिसाब की है, बट यहाँ पे हमें आईपीओ में और मार्केट में डर दिखने की वजह से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। एमी ऑर्गेनिक गाइस यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको पता होगी ऑलरेडी, मैं फिर से बता देता हूँ, इसका जो आईपीओ है 569 करोड़ का, उसमें से 200 करोड़ यहाँ पे फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू का मतलब ये कंपनी अपने डेट पेमेंट में लगाएगी और कंपनी एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेगी, तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है कि चलो पैसे जो ले रही कंपनी वो कंपनी में लगाएगी, तो भाई कंपनी की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जो हम शेयर्स लेंगे आईपीओ में उसमें भी हमें अच्छा खासा रिटर्न और लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल सकता है। साथ में यहाँ पे जो इसका सब्सक्रिप्शन डेटा है गाइस 12:34 का है मेरे पास, ये भी थोड़ा पॉजिटिव है। क्यूआईबीज ने 2.67 टाइम्स, एनआईएस ने 4.93 टाइम्स, रिटेलर्स ने 9.05 टाइम्स, और शेयर होल्डर्स एम्प्लॉयज नहीं है, ओवरऑल 6.35 टाइम्स। मैंने आपको अभी बताया है कि 3617 करोड़ अभी तक डाला जा चुका है इसमें 6.35 टाइम। तो यहाँ पे गाइस एक क्वेश्चन बहुत बड़ा निकल गया था, किसको अप्लाई करना चाहिए, भाई जो स्टूडेंट है जिनके पास थोड़ी सेविंग है, जो सैलरीड पर्सन है, कि ये सेविंग अगर जो फंस जाती है तो भाई मुझे दिक्कत होगी, मैं होल्ड नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं लगाएंगे, इसमें भी नहीं लगाएंगे,
बहुत अच्छा है, सारा कुछ बेहतर है। पर भाई अगर जो आपको डर है कि दिक्कत हो सकती है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर जो आप यहाँ पे 2 बजे 2:30 बजे तक का देख लीजिएगा, 2 बजे 2:30 बजे, हालांकि मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम में मैं अपडेट करता रहूँ कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 30+ हो जाता है ओवरऑल, जो कि 6.35 टाइम्स है, 30+ होता है तो आपको पॉजिटिविटी दी जाएगी, तो आप जाइएगा। फिलहाल जो इसका ग्रे मार्केट निकल के आ रहा है वो 100 से 110 रुपये निकल के आ रहा है यहाँ पे, तो 110 अकॉर्डिंग गाइज अगर जो आप देखेंगे एक लॉट में तो यहाँ पे आपको 2640 रुपये देखने को मिल रहा है। तो वाइपआउट होना यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन भाई कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है अभी जब तक यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डेटा 30-40+ नहीं हो जाता है। अगर जो सब्सक्रिप्शन डेटा 30-40+ हो जाता है तो एक तरह से हम सेफ मानेंगे, अदरवाइज भाई यहाँ पे जो जिनका नाम लिया मैंने ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, इसमें भी नहीं लगाना है। आपको वो टाइम गया कि जब डबल लिस्टिंग मिलती थी या फिर 30-40% देखने को मिल जाती थी, यहाँ पे 10-15% की एक्सपेक्टेशन रखें आप, पर वाइपआउट होता है तो ये भी ख्याल रखें। कंपनी बहुत बढ़िया है, अगर जो आप होल्ड करेंगे आपको लॉस नहीं होगा, होल्ड करने की क्षमता है जरूर लगाना, लिस्टिंग है यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। पर भाई मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ पता होगी, अगर जो मार्केट 365 डेज में 300 डेज चलता है तो सिर्फ और सिर्फ 55 डेज या 60 डेज मैक्सिमम हाई पे रहता है, मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव रहता है, बाकी के डेज भाई यहाँ पे आपको नेगेटिविटी देखने को मिल जाएगी। तो लिस्टिंग के टाइम पे अभी मार्केट नया नया हाई बना रहा है, लिस्टिंग के टाइम पे अगर जो नेगेटिव देखने को मिली तो ये भी आसानी से वाइपआउट हो सकता है। तो भाई आपके पैसे हैं, सेफली इन्वेस्ट करना, सोच समझ के इन्वेस्ट करना, मैंने यहाँ पे क्लियर व्यू दे दिया है। इसके बाद भी कोई दिक्कत हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन मेरे से पूछ सकते हैं। विजया के लिए आपको अवॉइड करना है, विजया में नहीं लगाना है, 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट के पैसे हैं तो एमी की तरफ चले जाओ। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डेटा भी अच्छा मिल रहा है और 2 बजे 2:30 बजे के बाद भाई यहाँ पे QIBs और NIIs अच्छे खासे आ जाते हैं। जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है वो भाई रिटेलर्स नहीं करते हैं, रिटेलर्स ओवर सब्सक्राइब 40-50 गुना कभी किसी आईपीओ को नहीं करते हैं, चाहे वो आईपीओ 500 करोड़ का है चाहे वो 5000 करोड़ का हो। यहाँ पे गाइस QIBs और NIIs जब तक नहीं आएंगे ढंग से तब तक ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। लिस्टिंग गेन हमें तभी अच्छी दिखती है जब ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा हो। तो ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अगर जो 30-40+ होता है 2:30 के बाद, आपके पास 5 बजे का टाइम होता है पर कई सारे ब्रोकर का यहाँ पे चेंज होता है, तो 4 बजे तक का टाइम मैं मानता हूँ, 3:30-4 के बीच में आप कर सकते हैं, बिड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देनी चाहिए, अगर जो आपने बिड 3-3:30 लगाई, ठीक है, जो पेमेंट का नोटिफिकेशन आता है वो 24 घंटे का टाइम लेता है, तो कल भी अगर जब एक्सेप्ट करते हैं तो आपका एक हो जाएगा। आज यहां पे आपने लगा लिया और कल आपने एक्सेप्ट किया पेमेंट का, तो आपका जो बिड है वो अप्रूव हो जाएगा, यानी कि आप रोक सकते हैं। अगर जो यहाँ पे आपने अभी लगा लिया और आपको लगता है कि मुझे इसकी तरफ नहीं जाना है, अभी लगा लिया आपने वीडियो देख के बिड, मुझे इसकी तरफ नहीं जाना है, तो आप 4 बजे 5 बजे जब भी नोटिफिकेशन आए उसको इग्नोर कर देना या तुरंत आ जाए, बाद में इग्नोर मतलब कि उसको लेटर पेमेंट कर देना कि बाद में पेमेंट करूंगा, बाद में आपको लगता है कि यहाँ पे हम कर सकते हैं एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट करना, अदरवाइज छोड़ देना। पॉजिटिविटी तभी देखने को मिलेगी जब आपको 30 से 40 टाइम कम से कम सब्सक्रिप्शन यहाँ देखने को मिलेगा, उससे कम होगा तो भाई चांसेस यहाँ पे 10-15% के है, पर वो भी कैसे वाइपआउट हो जाए पता नहीं चलेगा क्योंकि मार्केट भाई नए नए हाई बना के बैठा हुआ है और उसका असर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर जो लिस्टिंग के टाइम पे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो पैसे फंस सकते हैं। भाई आपके पैसे हैं, आपको सोचना है, जो भी मुझे लगता है, जो भी मेरा डिसीजन होता है, जो चीज़ें मैं करता हूँ वो चीज़ें आपको बताता हूँ, और हमेशा आपको इस चैनल पर सही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सही चीज़ें बताई जाएगगी, डिसीजन आपको लेना है। सो गाइस यहाँ पे कोई भी दिक्कत भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, मैं यहां पे अभी आपके लिए एक्टिव रहूंगा, आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं दूंगा। सो गाइस यहां पे वीडियो करते हैं, थैंक यू वॉचिंग गाइस एंड प्लीज स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी एंड बाय बाय फॉर नाउ।